एंड आई गॉट रियली गुड रूममेट इशिता एंड शी वाज जस्ट वॉचिंग मी टू रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड आई गॉट लाइक थोड़ा साए तो मैंने उसे भगा दिया. अगेन मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ, आप हर वीडियो बता दूँ कि मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम रियली ट्राइंग मेक समथिंग न्यू. घंटे लेफ्ट टू जर्नी और देखो मेरा क्या हाल है. अभी तक मैंने अभी तक पैकिंग चालू करी है. मेरी रूममेट जस्ट अभी उठी है तो अभी पूरा कचड़ा मचा हुआ है. सो डोंट सी. सो द ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड इसमें हम पूरा स्पीति का सर्किट करने वाले हैं. दिस वॉज वॉट वी डिसाइडेड और हम 20 लोग हैं और स्टार्टिंग में वॉल्वो से स्टार्ट करे थे, देन हमने टेम्पो चेंज करा था शिमला के अंदर. शिमला हम बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे, लाइक 6 बजे अराउंड दिन निकल चुका था, बट ठंडी बहुत हो रही थी भाई यहाँ के कंपैरिजन में. भाई मई और अप्रैल के लास्ट वीक यानी कि 27 अप्रैल को हम निकले थे, तो देख लो कितनी गर्मी से कितनी सर्दी के अंदर हम जा रहे हैं. जैसे ही हम बस से उतरे वैसे ही भाई सब ने अपना अपना स्वेटर निकालना स्टार्ट करा और हम पहाड़ों में आ गए हैं. और सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें वाइट चीज़ें देख रही थी तो मुझे लगा कि ये बर्फ़ है, बट आफ्टर सम टाइम मैंने रियलाइज करा अरे ये तो एप्पल के ट्री है और इनको ढक के रखा है ताकि इनको नुकसान ज़्यादा ना हो बाहर के पंछी वंछी से. तो ये मेरे को थोड़ा नया लगा, मैं पहली बार ऐसे देख रही थी. तो अगर अभी ये लगने स्टार्ट होंगे दैट मीन बाय द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त इसमें बहुत ज़्यादा एप्पल्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इफ़ यू कैन टॉक टू देयर ओनर्स एंड जस्ट प्लक इट एंड ऑब्वियसली खरीद लेना उनसे, बट प्लक कर लेना. तो दिस इज़ अस एंड दिस इज़ मी अगेन इन्जॉइंग द होल ट्रेवल द पार्ट दैट इज़ द सॉरी एक्चुअली दैट इज़ माई बेस्ट पार्ट जर्नी. डेस्टिनेशन तो पहुँच के क्या करेंगे, चलो पहुँच गए. तो अभी हम होल्ड के लिए रुके हैं लंच के लिए. ये है रामनगर और यू नो व्हाट, ये हम सब प्लान कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे. इस बीच में हम सब की मुलाकात हुई, सब लोगों ने बात करी. ऑल्दो हम बस में बैठ के इंजॉय कर रहे थे, गाना वाना गा रहे थे, गाना वाना सुन रहे थे. आपको मैं सबसे एक अच्छी चीज़ दिखाई नाउ. अब वो देखो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, राम. तो ट्रिप की स्टार्टिंग ही हमारी राम नाम से होती है, दैट मीन्स ये ट्रिप सक्सेसफुल तो होने वाली है और बहुत सारे हमें मज़े आने वाले हैं. रिवर साइड पे जाने का बहुत सारा मन कर रहा है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि जाएंगे तो फिर 1 घंटा कम से कम लग जाएगा. ऊपर बादल है और ये हम खर्च कर चुके हैं. हमारी ग्रुप में ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आई शुड से, बट ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही थी, बस बहुत अच्छा आइडिया. सो वी वर ट्राइंग ऑल दैट आइडिया. हमारा लंच वंच हो चुका था, हम छत पे गए थे एंड देन बस अब हम बैठ लिए हैं. और यार यहाँ के पहाड़ मुझे सिमिलर लगते हैं बिकॉज आई गेस ये पाथ में ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हूँ. दिस इज़ द पाथ जो आपको मनाली साइड से या फिर सुन सम शिमला साइड से आए थे, बट हाँ आप अगर ऊपर जाते हो जैसे कांगड़ा के साइड में जहाँ पे दौलादार आपको मिल जाएंगे तो उससे जा रहे हैं. ऑलरेडी बहुत साइड में हैं हम लोग. बड़ा सा टर्क आ रहा है ये. ओके सो कैरी ऑन विद दिस. सराहन ऑलरेडी पहुंच गए और अभी हमारे बाकी के लोग दारू लेने के लिए आए. सो प्लीज़ ये वाला पार्ट कट कर देना और स्किप कर देना और हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेता. आई एम नॉट एन अल्कोहलिक सो डोंट वरी. आपको सराहन का या लोकल एरियाज दिखाती है, मार्केट्स है, ये शॉप्स वगैरह हैं. अगर आपको कुछ भी
नमकीन मीठा खाना वो खा सकते हैं। हमारे कॉटेज भी आसपास में है, देखना पड़ेगा कहाँ पर है। और वो अंकल बिल्कुल वो अंकल मेरे को देख रहे थे और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था रिकॉर्ड करना। सो ओके, व्लॉग के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं आता है, सो आई विल जस्ट ट्राई समथिंग समथिंग। तो आप भी समथिंग समथिंग देखना एंड देन समथिंग समथिंग करते हैं। सो मच ऑफ भीड़ एट दारू की दुकान। सो दारू 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 खींच ली है और मिलते हैं पार्टी के अंदर। सो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, एप्पल ट्रीज़। और ये है मेरा रूम। मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छे से व्यू लेने का, बस सिंस मेरा फ़ोन है M30S उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट दिस इज़ वो ये ना सन के टाइम पे भाई DSLR वाला फील लेता है। ठीक है, तो जब तक आप बाहर के नज़ारे देखो। ऑल द बेस्ट, झंडे गाड़ के आना, चलो बाय। अच्छा सबसे ब्यूटीफुल चीज दिखाने वाली हूँ, मेरे रूम की बालकनी से जो व्यू है, इट्स लाइक परफेक्ट व्यू आई कैन एवर इमेजिन। और मुझे रास्ते में एक ग्रीन कलर का होटल मिला था जिसके ऊपर लिखा था कैलाश व्यू होटल। तो मुझे नहीं पता कि ये जो सामने मेरे है ये कैलाश है कि नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन, ये जो माउंटेन्स हैं जो जहाँ पे आपको वो ब्लैक ब्लैक थोड़ा दिख रहा है, दैट इज़ द होल वाइट माउंटेन्स। और अभी ये जो पूरा ब्लैक माउंटेन के पीछे का पूरा वाइट माउंटेन्स अभी विजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कल हम जाने वाले हैं यहाँ पर। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे एंड टुमारो। सो ओके, कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, सो सी यू इन द नाइट। सो ये सामने वाले मंदिर का नाम है भीमा काली टेम्पल। और बाकी शाम हो चुका है, सारी दुकानें भी खुल गई है और ठंडी भी बहुत बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के ओले पड़ रहे हैं सर के ऊपर। तो ये मेरा नया लुक मैंने पगड़ी बना लिया। एज ऑलवेज हमने अपना सफर पूरा किया है और जा रहे हैं टेंपल के मैं मंदिर के परिसर में कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं नहीं दिखा पाऊँगी कि मंदिर कैसा है। तो बाहर से आप देख सकते हो मंदिर बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा पूरा चांदी का बना था वो। तो ये हमारी पार्टी है, बहुत फैशन हो गया है, ठीक मेरे कैमरे में भी अच्छी फोटो आ सकती है। मैं एक पार्टी छोड़ के खाने के लिए निकल जाती हूँ, उसके बाद सोना भी है बिकॉज कल बहुत ही अमेजिंग जगह के ऊपर जाने वाले हैं हम, रिवर साइड कैंपिंग।